सभी मित्रों को, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो मित्रों, यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं करियर काउंसलिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन, जिसका नाम है ICS करियर GPS। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से आजकल हमारे आसपास करियर को लेकर के काफ़ी चिंता का माहौल है, और ये समझने की, जानने की कोशिश की जाती है कि एक अच्छा करियर हम किस तरीके से प्राप्त करें। तो जैसा कि पहली स्लाइड में आपको दिख रहा है, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं। सभी का लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर आपको इस बात को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस पोर्टल में कह लीजिए या इस ICS करियर GPS ऐप में कह लीजिए, आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि एक करियर की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, आप सभी जानना चाहेंगे कि करियर की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, करियर जो होता है एक तरीके से दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ करता है। जो करियर शब्द है वो दो चीज़ों के सेटिस्फिकेशन से मिलकर बना होता है। पहला, एक जो आपको मॉनेटरी सेटिस्फिकेशन दे, मतलब कि आर्थिक, एक तक क्या कहना चाहिए, आर्थिक सेटिस्फिकेशन, मतलब कि एक तरीके की संतुष्टि। हाँ, तो एक तो है आर्थिक संतुष्टि दे, और दूसरा जो है वो है मानसिक संतुष्टि। मानसिक संतुष्टि जी। तो अगर ऐसा कोई काम, ऐसा कोई भी वर्क जिसमें आप आर्थिक रूप से भी संतुष्ट हो, मतलब आपको वो अपने मन मुताबिक या आपकी जितनी ज़रूरत हो उतने आपको पैसे मिल जाएं जिसमें आप खुश रह सकें, और दूसरी बात है मानसिक संतुष्टि, मतलब आपका मन बहुत प्रसन्न हो। ऐसा नहीं कि आप, पैसे तो आ रहे हैं मगर आपका मन प्रसन्न नहीं है, और दूसरा ये भी नहीं कि मन तो प्रसन्न है मगर घर चलाने के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मतलब दोनों चीज़ें आपको चाहिए कि आपका मन भी प्रसन्न हो, आर्थिक रूप से भी आप संतुष्ट हों और मानसिक रूप से आप संतुष्ट हों। तो अगर ऐसा कोई काम जो आपको आर्थिक और मानसिक संतुष्टि दे, वो काम कहलाता है आपका ड्रीम जॉब। क्या कहलाता है? आपका ड्रीम जॉब। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक टीचर हूँ। ओके, मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर के नाते मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है, खुशी है इस बात की कि मैं अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर पाता हूँ और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उनका लाइफ बनाने में मैं अपना सहयोग देता हूँ। तो ये मेरी मानसिक संतुष्टि हो गई कि मैं मेंटली जो है बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और दूसरी, अगर मैं बात करूँ मॉनेटरी, मुझे कुछ सैलरी मिलती है, उससे मैं अपने घर परिवार को चला पा रहा हूँ, तो ये मेरा मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन है या मेरी ये आर्थिक संतुष्टि है। तो मित्रों, ऐसा कोई भी काम जो आपको इस दो प्रकार की संतुष्टि दे, उसको करियर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो करियर शब्द जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, और जब करियर में आप जब एक मुकाम तय कर लेते हैं, एक फाइनली मंजिल पा लेते हैं, उस मंजिल को हम बोलते हैं ड्रीम जॉब। वो जो जॉब कहलाती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है या जिस काम को आप करना चाहते थे और जिससे आपके दोनों उद्देश्य पूर्ण हो गए, उस जॉब को आप क्या बोलते हैं? उस जॉब को बोलते हैं ड्रीम जॉब। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात कर ली कि करियर क्या होता है, हमने बात कर ली कि ड्रीम जॉब क्या होती है। धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने ड्रीम जॉब की बात कर ली जिसमें दोनों ही पक्ष आपके मजबूत हों, एक आपको मानसिक भी संतुष्टि हो और एक आपको पैसों की वजह से जो आर्थिक संतुष्टि होती है वो भी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोकेश खंडेलवाल, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गणित, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल माधवनगर कटनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि हर प्रकार की जानकारी आप लोग को दी जाए। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपके डाउट्स की जानकारी आपको ज़रूर ला करके दूंगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप पर जिसका नाम है ICS करियर GPS। ओके, ICS करियर GPS। तो इसमें आज ये वीडियो कह लीजिए, इसका मैं आपको पार्ट 1 डिस्कस करूँगा कि पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम केवल इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय कराएंगे आपका इस ऐप से। मैं आपका परिचय कराऊंगा। ये क्या है ऐप? ऐप का पूरा मतलब होता है एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। तो हमारे ज़्यादा यूज़र्स जो हैं, जो ज़्यादा उपयोग करता है, वो लोग एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं।
ओके, तो ये जो ऐप है आपको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, और दूसरा एप्पल यानी कि iOS प्लेटफॉर्म, ये दोनों, ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर मोबाइल चलते हैं इंडिया में, और कुछ लोग एप्पल जो यूज़ करते हैं iOS, उसमें भी मिल जाएगा। इन दोनों में जा करके आपको इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है आइए बात करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है गूगल प्ले के सर्च इंजन सर्च बॉक्स पे जाना आपको, और गूगल प्ले के सर्च बॉक्स में जाके आपको ऊपर लिखना है ICS, या और ज़्यादा लिखना चाहें तो ICS करियर ऐप ऐसा कुछ लिख दें। ओके, ICS करियर GPS। ओके, तो आप जैसे ही यहाँ पे ICS लिखेंगे तो दूसरे नंबर पे आपके सामने ये देखिए, ये वाला जो ऐप है जो ब्लू कलर में आपको ब्लिंक हो रहा है, ये वाला ऐप, मैं इस ऐप की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐप आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, इसमें आपको इंस्टॉल करना है। ये आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल कर जैसे इसको आप क्लिक करेंगे, दबाएंगे इसका बटन, इसके टैब को आप जैसे ही टच करेंगे, टच मोबाइल है ऑब्वियसली आजकल सभी के पास, तो आपका ICS करियर GPS का एक बॉक्स खुल जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस इसमें टाइप कर दे, इसको इंस्टॉल दबा देना है, इंस्टॉल प्रेस करिए। ये 19 MB का ऐप है, मतलब ज़्यादा कोई बड़ा ऐप नहीं, आपके मोबाइल की ज़्यादा मेमोरी नहीं खाएगा। ओके, देखिए GPS का मतलब क्या होता है। GPS का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रैक करने वाली डिवाइस, किसी चीज़ की स्थिति को बताने वाली डिवाइस, GPS का। तो ये जो ऐप है ये किसको ट्रैक करता है, ये आपके करियर को ट्रैक करता है, ये आपके जीवन का आगे बढ़ने का रास्ता ट्रैक करता है कि आप आगे किस दिशा में जा रहे हो। ओके, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको रास्ता बताएगा, बहुत अच्छा बताएगा रास्ता। और मैंने खुद इस चीज़ को यूज़ किया है और महसूस किया कि ये बहुत अच्छा रास्ता आपको बताता है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, ये ऐप देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, परसेंटेज लिख के आ जाएगा कि ये 90% डाउनलोड हो गया है, 100%। जैसे ही ये 100% आ जाएगा, ये ओपन वाला बॉक्स जो है आपका ग्रीन कलर हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा मतलब ये खुलने के लिए तैयार है। ओके, आपने इसको ओपन प्रेस किया, जैसे ओपन प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने आ जाएगा कि ICS करियर GPS आपके मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। अब आइए, आप ओपन करना चाहते हैं तो आप इस बटन को दबा दीजिए ओपन को, और अब आपका जो करियर ऐप है पूरे तरीके से आपके सामने आ जाएगा इस ब्लू कलर के इंटरफेस में। अब आप देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि किस लैंग्वेज में आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं अभी हिंदी माध्यम के बच्चों से जुड़ा हूँ तो मैं हिंदी की बात करूँगा कि हम अपने ऐप को हिंदी माध्यम में चलाना चाह रहे हैं, तो हिंदी में टाइप कर देंगे तो बेहतरीन इंटरफेस के साथ आपके सामने ऐप आगे खुल जाएगा। अब आइए देखते क्या है कि ये ऐप आखिर करता क्या क्या है। देखिए तीन चीज़ें हैं आपके जीवन में, एक आप पसंद क्या करते हैं, आपकी रुचि क्या है पहली चीज़। ओके, आपने पसंद करते हैं, आपकी रुचि क्या है पहली चीज़, ये देखिए आपकी रुचि। दूसरा पार्ट क्या है, आपकी योग्यता क्या है। आपकी योग्यता मतलब देखो पसंद तो करते हो, जैसे आपको गाना गाना बहुत पसंद है, फॉर एग्जांपल आपका पसंद का क्षेत्र क्या है, गाना गाना। ओके, बट आपकी योग्यता गाना गाने में नहीं है। ओके, ये आपकी पसंद है, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आपकी आवाज़ भगवान ने ईश्वर ने अच्छी नहीं दी है। ओके, तो आप उसको, वो आपकी पसंद तो है बट आप उसमें योग्य नहीं है। अब आपके उसी समय 10th क्लास में 98% आ गए हैं, तो आप किस में योग्य हैं, आप पढ़ाई लिखाई में योग्य हैं। तो हम गाना गाने के साथ तो पूरे तरीके से मैच नहीं कर सकते हैं, मगर हम आपकी रुचि और आपकी योग्यता का मिलान करेंगे, हम आपकी रुचि और आपकी योग्यता का मिलान करेंगे तो हमें एक ऐसा रीज़न मिलेगा। आप देखिए ये वाला जो पहला वाला गोला है ये आपकी रुचि का है, दूसरा वाला गोला आपकी योग्यता का है, और जो तीसरा वाला गोला दिख रहा है ना, ये मिलान है, जो ये बता रहा है आपकी रुचि और आपकी योग्यता किन बिंदुओं पर मिल रही है, और उसमें से तीसरा वाला जो गोला जाएगा वो जाएगा करियर का। ये जो तीसरा गोला जा रहा है ये करियर का जाएगा कि आगे आने वाले समय में आपकी रुचि और योग्यता में से किस चीज़ की ज़रूरत संसार को है, दुनिया को है। जी हाँ, मतलब आपकी ये रुचि है, ये आपकी योग्यता है, ये वाला पार्ट क्या हो गया जिसमें रुचि और योग्यता दोनों हैं, परंतु इसमें वो पार्ट जिसकी डिमांड है वो केवल थोड़ा सा है, ये देखिए ये इतना है, ये दुनिया की डिमांड है, बट आपके कैरेक्टर में, आपके जो शरीर में कह लो या आपकी किस्मत में कह लो या आपके जीवन में जिस चीज़ के साथ आप अपना तालमेल बिठा पा रहे हैं दुनिया की ज़रूरत के साथ, वो इतना रीज़न है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ये देखिए ये है। ओके,
तो पहला वाला पार्ट क्या है? पहला वाला पार्ट है भैया कि आपकी रुचि क्या है, रुचि, ठीक है ना। पहला वाला पार्ट है आपकी रुचि क्या है, दूसरा वाला पार्ट है आपकी योग्यता क्या है, और तीसरा वाला पार्ट है जरूरत क्या है जमाने की। तो इसको मिला करके ये जो पार्ट आया है, ये ऐप यही करता है, ये ऐप क्या करता है, यही करता है कि आपकी रुचि और आपकी योग्यता को तालमेल बिठाएगा, उसमें से उस चीज़ के बारे में बताएगा कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ में जाने में आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ये ऐप यही करता है, इसीलिए इसे GPS कहते हैं। ओके, आपको उद्देश्य, अर्थ, पारिश्रमिक, पहचान, पूर्ति का एहसास तथा प्रसन्नता दिलाता है। कौन? सपनों का करियर। जो आपके सपनों का करियर देता है वो आपको उद्देश्य, मतलब लाइफ में कुछ करना है, विजन क्लियर है। अर्थ मतलब हर चीज़ का मीनिंगफुल निकल रहा, हाँ मैंने ये किया तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने कुछ पाया। पारिश्रमिक मतलब पैसा। पहचान लोगों के बीच में आपकी आइडेंटिटी। पूर्ति का एहसास मतलब जीवन में कुछ भराव रहेगा कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने ये पा लिया। और प्रसन्नता सबसे ज़रूरी किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप प्रसन्न हो करके किसी काम को कर रहे हैं तो उसका मतलब आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, और आप अप्रसन्न हो करके, चेहरा बिगाड़ करके, मुंह बना करके उस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। तो किसी चीज़ को प्रसन्नता बहुत ज़रूरत होती है किसी काम को करने के लिए। आपने सुना होगा कि डॉक्टर अगर मुस्कुरा के बात कर ले तो आधा दर्द हमारा, आधा रोग तो वैसे ही दूर हो जाता है, और डॉक्टर अगर डांट करके, चिढ़ करके बात करे तो हम आधे बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आइए, और क्या होगा इस ऐप में? हम स्वयं की पहचान करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप एक खुद का टेस्ट लेंगे, एक टेस्ट रहेगा, उसमें आप खुद की पहचान करेंगे। ओके, उसमें आपको पता चलेगा करियर की रुचियां और व्यक्तित्व संबंधी अभ्यास होगा कि आपकी रुचि किस में है, नंबर वन आपका व्यक्तित्व कैसा है, और इसके बारे में मुफ्त करियर रिपोर्ट आपको मिलेगी। यस, फ्री, ये जो करियर रिपोर्ट है आपको फ्री मिलेगी। देन उसके बाद में स्वयं को सूचित करें, जी हाँ, जितने पाठ्यक्रम अवेलेबल हैं भारत देश में उनके बारे में आपको, कौन कौन से पाठ्यक्रम, मतलब कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं, BTech कहाँ हो रहा है, MBA के कॉलेजेस कहाँ हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कहाँ हो रही है, लॉ की पढ़ाई कहाँ हो रही है, MBA कहाँ हो रहा है, BBA कहाँ हो रहा है, मैं किस कॉलेज से करूँ, कौन सा कॉलेज पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे है, फला फला कॉलेज पाने के लिए मैं कौन सा एग्ज़ाम दे दूँ, इन सब की जानकारी आपको इस ऐप में मिल जाएगी। समझिए, बहुत ज़रूरी बात है। और तीसरे नंबर पे आपको परामर्श मिलेगा और आप स्वयं के लिए योजना बना सकते हैं। एक व्यक्ति पर एक व्यक्तिगत करियर परामर्श, ये परामर्श जो है ऑफलाइन है। ये कैसा है? ऑफलाइन। और ये आपको आपकी शैक्षणिक संस्था में दिया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। ओके, कि इस तरीके से आपको ये ज़रूरत है, जहाँ पर परामर्श की ज़रूरत होगी वहाँ पर परामर्शदाता आपके लिए उपलब्ध होंगे और आपको परामर्श देंगे, ठीक है ना। तो ये काम जो है, योजना बनाना, स्वयं के लिए योजना बनाना। योजना आप कब बनाएंगे? जब आपको परामर्श मिलेगा, जब आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जब आप कन्फ्यूज़ होंगे कि मेरे लिए ये भी है और मेरे लिए ये भी है। भाई, ऐप की एक निश्चित सीमाएं हैं। ऐप जो है इंसान नहीं है, ऐप जो है एक मशीन है। तो वो कहीं ना कहीं आकर के सीमाबद्ध हो जाता है, कहीं ना कहीं आकर के वो रुक जाती है, उसकी लिमिट आ जाती है। तो वहाँ पर आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हम आपके लिए बताएंगे कि क्या सही परामर्श है, किसके आधार पे, अपने ज्ञान, अपने अनुभव और जो ट्रेनिंग हमें दी गई है उसके आधार पे। आइए शुरुआत की जाए मित्रों। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने ड्रीम करियर को पहचानने में शुरुआत करेंगे। और करना क्या है इसके लिए, दो चीज़ें हैं। एक है साइन अप करें या साइन इन करें। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर कोई जानता है भाई कि जिनका खाता अकाउंट बन चुका है वो साइन इन करते हैं, और जिनके पास खाता नहीं है तो ये साइन अप करते हैं। तो मेरी समझ में आप लोगों के पास खाता नहीं है तो आप लोग साइन अप करेंगे। ओके, अब साइन अप करेंगे, जैसे ही इसको आप टैब को दबाएंगे, येलो कलर को, ये एक नया चीज़ खुल जाएगा, एक नया पोर्टल, एक इंटरफेस खुल जाएगा, एक नया पेज खुल जाएगा। ओके, तो इस पेज में आपके सामने क्या कहेगा, माता पिता अभिभावक का ईमेल, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अभी आपका ईमेल नहीं बना है। तो आप अपने माता पिता अभिभावक का ईमेल डाल दीजिए, मत डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ईमेल डालने का। कारण क्यों है, आप ईमेल से रजिस्ट्रेशन मत करिए, ठीक ना, आप संगठन कोड से करिए। संगठन कोड मतलब आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का
एक यू डाइस कोड होता है जो स्कूल का एड्रेस होता है एक तरीके से, ओके, डिजिटल एड्रेस। तो आप इस स्कूल का अपने यू डाइस कोड डाल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल का उत्कृष्ट विद्यालय कटनी का यू डाइस कोड है 233, ओके, 802, ओके, या 23380, मैंने ऐसे याद किया है, 23380, 21600, 23380 और 21640, 21640 और 3, ये है, या 23380 21640 3, इस तरीके से ये डाइस कोड है। अब आपको करना क्या है, अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपको यहाँ पे बाद में 1 लगाना है, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप 9th और 10th में हैं तो आपको लास्ट में 1 लगाना है, 11th और 12th में है तो आपको 2 लगाना है। याद रखिएगा 9th 10th में है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, 1, 11th 12th में तो आप क्या लगाएंगे, 2, बस ये दो काम आपको करने हैं। 9th 10th में 1 लगाना है, 11th 12th में 2 लगाना है, और एक ही अंक लगाना है बेटा, आपको 1 और 2 दोनों नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 9th में हैं तो आप केवल 1 लगा करके छोड़ दीजिए, अगर आप 10th में हैं तो 1 लगा के छोड़ दीजिए, अगर आप 12th में हैं तो जो भी लगाना है आपको 12th में 2 लगाएंगे आप, 11th में 2 लगाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ जाइए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब आगे आएगी सवाल कि गूगल के साथ साइन अप करना है, फेसबुक के साथ या ईमेल के साथ। तो इसको ना करें, इसको ना करें, आप अपना ईमेल डाल दें, ओके, जो आपका ईमेल है पिताजी का वो ईमेल डाल दें। ईमेल डालेंगे जैसे आप, तो ये आपसे आपकी जानकारी पूछ लेगा, ये देखिए, तो मैंने डाला है यहाँ पे, ये मैंने संगठन कोड डाल दिया, क्या बताया, 23380 21640 3, ये मैंने डाल दिया। यहाँ मैंने कुछ नहीं छोड़ दिया क्योंकि वैकल्पिक है, एक भरना है एक खाली छोड़ना है, तो अगर इसको भरोगे इसको मत भरना, आप डाइस कोड से भरना, ये डाइस कोड भर दिया। इसके बाद आपके पास क्या जाना है, ईमेल पे, ईमेल पे आप जाएंगे, तो जैसे आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे, अगले कॉलम में आप क्या देंगे, ईमेल एड्रेस, ये देखिए ईमेल एड्रेस का दबाएंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। आइए शुरुआत की जाए, आपका आएगा पहला नाम लोकेश, दूसरा नाम मैंने डाल दिया खंडेलवाल, फिर खंडेलवाल लोकेश 623 35@gmail.com, आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आप बना लीजिए यहाँ पे। ये क्या है, ये पासवर्ड यहाँ का है, ये जीमेल वाला पासवर्ड नहीं है, आप वो भी डाल दोगे तो चल जाएगा, मगर कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे बना लो, बट याद रखना पासवर्ड 8 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर और संख्याएँ हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने डाला पासवर्ड सुरेश @123, ये मैंने डाला पासवर्ड। तो देखो भैया सुरेश कैपिटल लेटर पहला है S, फिर बाकी सारे स्मॉल, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर है, एक विशेष चिन्ह है, ओके, एक विशेष चिन्ह, हालांकि इसमें विशेष चिन्ह की बात नहीं कही गई है, आप मत डालना, और फिर उसके बाद नंबर, 3 नंबर। तो क्या है मेनली चीज़ें, एक बड़ा अक्षर, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और गणित की संख्याएं डाल दीजिए और टोटल 8 कर दीजिए, ये आपका सेव कर लेगा पासवर्ड आपको पहचानने के लिए। और जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे ये कहेगा कि जा कर के अपनी जो जीमेल है या आपका जो ईमेल अकाउंट है उसमें जा कर के OTP देखिए, एक OTP आया होगा, ओके, किस में आता है OTP, आपके ईमेल में। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस यहाँ पे आप लोग के लिए कठिन हो जाती है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग के लिए सत्यापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं करेंगे अपन। तो OTP से सत्यापित करने के लिए आप अपना जीमेल अकाउंट खोलिए और वहाँ पर उस जीमेल में आपके सामने 4 अंकों का OTP आया होगा आपके जीमेल अकाउंट में, जिसको आपने उसमें डाला है, जो आपने जानकारी भरते समय भरा है उसमें आपको ये अकाउंट में 4 अंक का OTP आएगा। जैसे ये देखिए मेरे को ईमेल वेरिफिकेशन आया, ये मेरे जीमेल अकाउंट का वेरिफिकेशन है, जो मैंने आईडी डाली थी, कौन सी, खंडेलवाल लोकेश 35@gmail.com, इसमें, तो इसमें मेरे को जो आया OTP आया वो देखिए यहाँ पे OTP लिखा था, मैंने उसको हाइड कर दिया है, यहाँ पे 4 अंकों का OTP आ गया, मान लो 1356, ये लिख के आएगा आपको मैसेज में, मैंने मैसेज गलती से डिलीट कर दिया, वो मैसेज आपको लिख करके आएगा, उसमें OTP आएगा और OTP आने के बाद उस OTP को जैसे आप फिल करेंगे, कहाँ फिल करोगे, कहाँ भरोगे, इसमें 1356, तो आपके सामने आपका पोर्टल ओपन हो गया। अब आपका पोर्टल ओपन है, जी हाँ,
अब आपका जो पोर्टल है वो पूरे तरीके से ओपन हो चुका है। ओके, पूरे तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो चुका है, अब बस देर है तो इस पोर्टल को चलाने की। तो इस पोर्टल को चलाते कैसे हैं, इस पे काम कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ इस पोर्टल पे आप काम कैसे करेंगे। तो देखिए, पहला आपके सामने क्या दिखाई देगा, ऊपर लिखा रहेगा कि इंग्लिश में या हिंदी में जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है। ओके, आप बाद में चाहें तो लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश कर लें या इंग्लिश वाले हिंदी कर लें, वैसे भी कर सकते हैं। तो ऊपर लिख के आएगा नमस्ते, आज ही आपकी यात्रा शुरू करें। तो ये पहला टेस्ट है आपका। ये टेस्ट कितने का होता है, 10 मिनट का। ये टेस्ट सभी को देना है। ओके, ये टेस्ट सभी को देना है। अपने विशेष करियर अभिरुचियों को पहचानिए। करियर अभिरुचि मतलब आपका झुकाव किस तरफ है, आपका जो मन है, आपका जो झुकाव है, आप किन किन चीज़ों को पसंद करते हैं, ये आपके लिए ये टेस्ट है। ये 10 मिनट का टेस्ट है। इसमें आपके सारे पसंद के बारे में पूछ लेगा कि आप क्या पसंद करते हो। आज जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहले जब आप इसमें लॉगिन करोगे, इसमें आप लॉगिन करोगे ना, तो सबसे पहले आपसे ये क्या डालेगा मालूम, क्लास पूछेगा कि आप कौन सी क्लास में हो। जब आप इसको लॉगिन करोगे तो आपसे ये किसके बारे में पूछेगा, क्लास के बारे में। चलिए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए मेरे को, एक सेकेंड। ओके, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मित्रों किस तरीके से हम इसको अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम कहाँ तक आ गए थे, हम आ गए थे इस पेज तक। यस, ये देखिए हम आ गए थे नमस्ते आज ही अपनी यात्रा शुरू करें, ठीक है ना। ये यहाँ तक आ गए थे हम लोग, नमस्ते आज ही यात्रा शुरू करें। अब जैसे हम शुरू करें, हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें कहेगा कि ये देखिए, जैसे हम क्लिक करेंगे आज ही अपनी यात्रा शुरू करें, तो सबसे पहले आएगा कि आपकी वर्तमान स्थिति कक्षा का है, क्या है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है। तो जैसे मैं ये क्लास 12 के लिए चला रहा हूँ, ओके, तो क्लास 12 के लिए मेरे को टिक कर दिया मैंने कक्षा 12। तो कक्षा 12 से टिक करते ही आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रश्नोत्तरी आ जाएगी। नीचे लिखा रहेगा यहाँ पे आगे बढ़ें, तो आपको उस पर टिक करना पड़ेगा। क्लास 12 के बाद नीचे रहेगा आगे बढ़ें और आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रश्नोत्तरी आ जाएगी। पहली प्रश्नोत्तरी आएगी, कोई 3 प्राथमिकताएं चुने, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद ये काफ़ी एक बड़ी व्यवस्था है। तो आज मेरा काम था यहाँ पे कि आपको इस ऐप का इंट्रोडक्शन कराना। अगले वीडियो में, अगले अंक में मैं लेके आऊँगा कि आगे क्या करना है। तो पहला काम, आप अपने ऐप को इंस्टॉल करें, अच्छे से इंस्टॉल कर लीजिए। और याद रखिएगा मैंने आपको जो बात बताई है कि अगर आप संगठन कोड दर्ज करें, अगर आप संगठन कोड के बाद यदि आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, 9वीं 10वीं के, 9th या 10th के, तो आप संगठन कोड के बाद में यहाँ पे 1 लगाएं। और अगर आप 11th 12th के विद्यार्थी हैं तो 2 लगाएं। अगर आप ये नहीं लगाते तो बाद में जाके आपका ऐप थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, आपके लिए कुछ चीज़ें दिक्कत करेगी, इसलिए इस बात को माने और ऐप के यहाँ पे 1 या 2 दबाएं। ओके, तो खैर ये थी आज के लिए जानकारी। देन मैं कल बताऊंगा इसमें, इसके होने के बाद क्या करेंगे। इसके बाद आप जो है, आप इसमें अपने सलाहकार से बात भी कर सकते हैं, उनसे लिखित परामर्श भी ले सकते हैं। आप डेली ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जो दैनिक शिक्षा के बारे में अच्छी अच्छी नवीन नवीन जानकारियाँ रहती हैं। अपने ड्रीम करियर का अन्वेषण यानी पता लगा सकते हैं और अपने ड्रीम करियर को अनलॉक कर सकते हैं, उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ओके, आप इसमें ये देखिए सब कुछ, ड्रीम करियर का अन्वेषण एवं जानकारी, काफ़ी चीज़ें हैं मित्रों। इतना कठिन तो नहीं कहूँगा मैं इसको, इतना छोटा नहीं है कि इसको मैं बहुत ही कम समय में आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि आप तक मेरी कुछ बात पहुँच पाए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में, ओके, इस ऐप को स्टोर करेंगे और चलाना सीखेंगे। तो मित्रों आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये हमारा कोशिश, इसके बारे में ज़रूर बताइए और मुझे आज्ञा दीजिए। सभी को तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।